नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में विधायक ने उठाया नगर निगम पर सवाल। हल्द्वानी शहर में बीते दिनों हुई बरसात में शहर में पानी भारी जल भराव हो गया है। नहर और नाले ओवरफ्लो होने लगे और ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया, लिहाजा कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि नगर निगम हर साल लाखों रुपये का बजट नालों की और नहरों की सफाई के लिए खर्च करता है, लेकिन वह सफाई कहाँ होती है आज तक किसी को नहीं पता और ड्रेनेज सिस्टम भी आज तक कागजों में ही चल रहा है। यही वजह है कि शहर में ऐसे हालात हो गए हैं। HPCL कंपनी ने सड़कों को पूरी तरह खोद दिया है। अब थोड़ी सी बरसात में भी यहाँ हालात बेहाल हो गए। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। नगर निगम देखिए, नगर निगम लगातार नालों के ऊपर खर्चा दिखाता है, लाखों लाख रुपए का, पचासियों लाख रुपए का प्रतिवर्ष। आज तक आपने नाले साफ होते हुए शहर में देखे हैं? मैंने अपने आंखों से नहीं देखे। ये केवल खाऊं और खिलाऊं नगर निगम की जो पॉलिसी है, जिससे पूरे शहर की जो अव्यवस्थाएं हैं, सारी सड़कें यहाँ पे खुदी पड़ी हैं। HPCL हो, वो नगर निगम को एक अमाउंट देता है, एक परसेंटेज देता है रोड बनाने का कि मॉनिटरिंग हो, लेकिन आप देख लीजिए सड़कें जो खुदी हैं, महीनों तक उनकी बदहाली है। तो नाले हो, पद नाले हो, सफाई हो, व्यवस्था हो, नगर निगम शून्य पे है इस हल्द्वानी शहर में।